अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो अब सबको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आया समझ में? कह रही थी आप, क्या हुआ है? हुआ है ना, वही हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। उम्मीद नहीं थी कि हमारे साथ ये सब कुछ होगा। हरलीन यार प्लीज। सही तो कह रही हूँ, धोखा ही तो हुआ है। विश्वास तोड़ना और विश्वास नहीं करना एक ही तो बात है ना आंटी। मैम आप ऐसे क्यों? हम पे विश्वास नहीं किया गया ना मनीषा, हमें वो बातें बताई नहीं गई जो हमें पता होनी चाहिए थी। क्या पता होना चाहिए था? वही जो इस घर में हुआ। सगाई के वक्त जो भी कुछ हो रहा था मैं उसकी बात कर रही हूं। मुझे बीजी को, दीपिका को, वैशाली को कुछ नहीं पता था। हमें अंधेरे में रखा गया जबकि बाऊ जी, जसवंत, हरमन जी, आरती, योग और ये सब मिलके, बल्कि पूर्वी और दिया, ये जो सब प्लान बना रहे थे इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर हम सब एक परिवार है तो सबको सब कुछ पता होना चाहिए ना। अरलीन तुझे मैंने बताया ना, तुझे बताया ना हमने ऐसा क्यों किया। अब तो इस बात को यहीं खत्म कर यार प्लीज। अरलीन तुम ठीक कह रही हो, हम जानते हैं कि हमने थोड़ा छुपाया, लेकिन ये भी तो सोचो जो आखिर में हुआ वो अच्छा ही हुआ ना। हाँ जी परजाई जी, वो ट्रुथ सीरम ने अपना काम कर तो दिया। ट्रुथ सीरम मतलब? हाँ, नेता को हमने ट्रुथ सीरम पिलाया और फाइनली ट्रुथ सीरम ने अपना असर दिखाया। और नेत्रा का सच सबके सामने आ गया। सच? कौन सा सच? यही कि मेरा दुश्मन कौन है। सब पता चल गया हमें, पता चल गया कि ये सब कौन कर रहा है, दुश्मन कौन है मेरा। कौन? नेत्रा का बॉयफ्रेंड। नेत्रा का बॉयफ्रेंड? हाँ, और ये सच भी आरवी और युग ने मुझे बताया।
थैंक गॉड, इसका मतलब पूर्वी ने भी किसी को सच नहीं बताया। तुम्हारा सच तो मैं सबको बता के रहूंगी, पर ऐसे नहीं और अभी नहीं, तब बताऊंगी जब तुम उस सच को नकार नहीं पाओगी। तो आप सब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ हरली, तू जो कह रही है वो सही कह रही है और हम उसे ही फॉलो करेंगे। समझ गए, हम समझ गए। तुझसे दोबारा हम कुछ नहीं छुपाएंगे, कुछ नहीं छुपाएंगे। मुझसे? अरे तुझसे मतलब मेरा जसवंत। हाँ जी परजाई जी, पाजी का कहना मतलब है कि अब हम कुछ नहीं छुपाएंगे, जो करेंगे ना सारे सारे साथ में करेंगे हम। हाँ माँ, नेक्स्ट टाइम हम सबको लूप में रखेंगे, आप टेंशन मत लो प्लीज। आपको सब बता के करें, प्रॉमिस। वैसे देखा जाए तो एक बात बहुत अच्छी हुई, हमें नेत्रा के बारे में कुछ तो जानने को मिला। एक सच और है, एक बात और है नेत्रा की जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई। वो नेत्रा खुद को एक्ट्रेस बताती है ना, डांसर है, बार डांसर। क्या बार डांसर? हे भगवान, कितनी बड़ी चालबाज है ये लड़की, इतना कुछ छुपाया है उसने अपने बारे में। वो एक बार डांसर है, इतनी बड़ी बात उसने छुपाई हमसे। ऐसी चालबाज लड़की के साथ हम आरवी की शादी होने नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है वो लड़की हमारा फायदा उठा रही है। अब तो मैं पूरी तरह से शोर गया हूँ, उसने आरवी को फंसाया है। आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए अपना। उस लड़की को ऐसा घर और आरवी जैसा लड़का मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता है। मैं तो डे वन से कह रहा था कि लड़की सही नहीं है, पर मेरी बात सुनता ही कौन है? अब तो फाइनल हो गया ना कि कुछ भी हो जाए हम अपने भाई की शादी इस बार डांसर से नहीं करवाएंगे। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। आवाज कैसी थी? अंदर से आवाज आई शायद, ऐसा लगा जैसे कोई कूद के आए हो। उस आदमी ने मेरी नेहा के साथ जबरदस्ती की, मेरी नेहा के साथ, और अब जबरदस्ती शादी भी करना चाहता है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। मैं देखती हूँ। अरे मत देखो, अरे वो देखो, वो शर्मा जी का बिल्लू है बगल वाला। लगता है गलत घर में घुस गया था, अब सही घर में जा रहे हैं। वैसे पेट्स की ये बात तो अच्छी है, उन्हें पता होता है कि उनका घर कौन सा है। इसीलिए तो इतने वफादार होते हैं। पेट्स की वफादारी की बातें कल कर लेना, बहुत रात हो गई है, नींद भी आ रही है। चलो सब लोग सो जाओ अभी, है ना? चलो गुड नाइट बच्चों। हाँ भाई, मेरी भी गुड नाइट। और रुकना लाडो, मैं भी आ रहा हूँ। आरवी तुम मेरे साथ चल। दिया तू चल, मैं तुझे बाहर तक ड्रॉप करती हूँ। अरे भाभी मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं योग, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, चल मेरे साथ। मॉम पर ड्रॉप कर दो। योग आ जा। चल चल।
आई रियली होप कि वो आवाज सच में कैट की वजह से आई हो, साहिल की वजह से नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।